आइए बच्चों, आज हम आपको संगीत के बारे में कुछ जानकारी देंगे। संगीत सुनना सभी को पसंद है? जी हाँ। तो संगीत एक ऐसी कला है जो सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है, जिसको सुनने से छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक और पशु पक्षियों से लेकर पौधों तक को भी खुशी होती है और वो संगीत सुनने से आनंदित होते हैं। तो इसलिए हम संगीत के बारे में हम आज आपको कुछ जानकारी देंगे कि संगीत क्या है और संगीत कहाँ कहाँ व्याप्त है। तो प्रकृति में हमारे संगीत हर जगह व्याप्त है। संगीत वो है जो ध्वनि हमारे कानों को मधुर लगे और जो स्वर लहरियां हमारे कानों में मधुरता घोले, वही संगीत है। ठीक है, संग का अर्थ है उत्तम और गीत का अर्थ है गायन। तो जो गीत गायन उत्तम होगा वही क्या होगा? संगीत होगा। हाँ, तो अब संगीत की जो शुरुआत में क्या है कि जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसी से संगीत होगा, है ना। तो अब ध्वनि के बारे में अर्थात नाद के बारे में, आवाज के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। अब ये जो नाद है या ये ध्वनि है, ये हमारे प्रकृति में कहाँ कहाँ व्याप्त है आप बता सकते हैं? जैसे पहाड़ों पर से नदी बहती है, झरने बहते हैं, उसमें भी आवाज आती है, उसमें भी ध्वनि है। और किस किस चीज में ध्वनि है? समुद्र की लहरें में है। और जब बारिश होती है तब जब पानी जमीन पे टप 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 करके पड़ता है, तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है। या फिर हम जब तालाब में एक कंकर फेंकते हैं तब भी हमें टप से आवाज आती है, है ना, वो भी एक नाद है। और किस किस, जैसे बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो बादल भी जब एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं तब भी ध्वनि होती है। और भी नेचर में, हमारे प्रकृति में पशु पक्षियों की आवाज है, पक्षी चहचहाते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो पत्तों की सरसराहट होती है, कोयल की कू होती है, है ना। तो आदि कई तरह की आवाजें, कई तरह के नाद, जिसे कहेंगे हम, ध्वनि को ही नाद कहा है, कई तरह के नाद हमारे इस प्रकृति में विद्यमान है। तो अब शोरगुल या कोलाहल या ठोका पीटी, इस आवाज को हम संगीत उपयोगी ध्वनि में नहीं ला सकते। तो नाद की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम हमारे आसपास होने वाले कई तरह के नाद, कई तरह की ध्वनियों को हम अलग अलग रूप से, भिन्न भिन्न रूप से पहचान सकते हैं। जैसे हमारे आसपास कई तरह की आवाज आती है, टीवी पे गाना चलता रहता है, रेडियो पे कई तरह की आवाज है, गाना आता रहता है, है ना, और रास्ते पे से गाड़ियां जाती रहती है, यहां घर बैठे बिना देखे किसी ट्रेन की आवाज को भी पहचान जाते हैं ना। और किन की आवाज को आप अलग अलग रूप से पहचान सकते हैं बताइए? और स्कूटर की आवाज, और ट्रक की आवाज, और टेलीफोन की घंटी है या घड़ी का अलार्म बजता है उसकी आवाज, तो इस तरीके से। या हमारे दोस्तों की आवाज, वो भी हम जब बाहर से आपको आवाज लगाते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये दोस्त आया। हाँ, या अपनी माँ की आवाज। तो हर किसी की आवाज को हम अलग अलग रूप से पहचान सकते हैं। तो उसको पहचानने के लिए उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो हम जब उस नाद को हम अलग अलग पहचान सकते हैं तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो भी आवाज या ध्वनि जिस पर हम आहत करते हैं, किसी भी चीज पर हम आहत करते हैं, अब जैसे ये हमारा बनाया हुआ वाद्य है, इसके इस तार को हमने छुआ तो क्या हुआ? ध्वनि उत्पन्न हुई, है ना, ध्वनि उत्पन्न हुई। ये जो ध्वनि है, इसकी तार के जो आंदोलन हुए, आंदोलन का मतलब कंपन, तो ये जो कंपन होते हैं, प्रत्येक सेकंड में उसके कंपन होते हैं, उसी के आधार पर हमारे यहाँ प्राचीन संगीतकारों ने स्वरों की उत्पत्ति की है और हर नाद की ऊंचाई निचाई को नापा है। जैसे हम धीरे से बोलते हैं तो उस नाद की कंपन धीरे धीरे होते हैं, और जो हम जोर से चिल्लाते हैं या जोर से आवाज करते हैं तो उसके कंपन ध्वनि के ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से नाद को हम अलग अलग रूप में पहचान सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि नाद से स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जितने कंपन होंगे, जितने आंदोलन होंगे, तो वैसे ये एक स्वर बनता है। उससे ज्यादा आंदोलन होंगे, उसके आगे दूसरा स्वर बनेगा, तीसरा, उसके आगे और आंदोलन होंगे। इस तरीके से संगीतकारों ने हमारे यहाँ संगीत में
पांच स्वरों की रचना की है। हमारे यहाँ जो हमारा संगीत है, हमारा भारतीय संगीत है, या जो भी हम गाना गाते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत हो चाहे भजन हो, है ना, तो उस गीत में सबसे पहले तो क्या आएंगे, शब्द। शब्द के भाव होंगे और उन भावों को प्रकट करने के लिए संगीत के स्वर होंगे, तो जिसके द्वारा हमारा संगीत होता है। तो इस तरीके से संगीत की उत्पत्ति हुई है।